मौसम आज बहुत ज़बरदस्त, आसमान क्लियर, आज जो है वो बेहतरीन दिन होगा सबील के लिए, तो हम यहाँ लगा देंगे। बॉटल्स आ चुकी हैं जैसे आपने पहली वीडियो में देखा, अब हम जाएंगे सिर्फ आइस क्यूब्स लेके आएंगे और कूलर में डालेंगे, इसके ऊपर बॉटल्स डाल देंगे और कुछ नोट लिख लेंगे और सामने टेबल वहाँ रख देंगे। तो सबसे पहले ये काम करते हैं जी। सबसे पहले हमें अभी लेके आनी है आइस, तो मैं अभी तैयार हूँ ऑफिस के लिए, लेकिन पहले हम आइस लेके यहाँ पे सेटअप लगा के फिर मैं जाऊँगा। जब तक मेरी वाइफ जो है वो नाश्ता बना रही है, तब तक मैं जाता हूँ और जल्दी जल्दी से आइस क्यूब्स लेके आता हूँ और सेटअप लगा लेता हूँ, उसके बाद नाश्ता करते हैं और उसके बाद जो है ऑफिस। आइस यहाँ से उठा लेते हैं, ये है छोटा वाला, ये उठा लेते हैं। ये आइस हमने ले लिया, ये देखें जी बर्फ, अब जाएगी ये बर्फ घर, दरवाजा खुद ही खुल जाता है यहाँ पे। चलो जी, ये रही हमारी शहजादी और ये रही जी हमारी बर्फ, और सुबह के बज रहे हैं अभी 9:15। चलो जी चलते हैं घर और फिर जो है सेटअप लगाते हैं। ऑफिस जाने से पहले ये काम करना था आज, वैसे ये काम हो जाए अब हमारा सामान हुआ यहाँ पे मुकम्मल, बॉटल्स, बर्फ और रूह अफजा भी सोचते हैं, चलते हैं। और ये कचरा तो हम यहाँ पे फेंक ही नहीं सकते, ये देखिए कितना साफ है। चलें जी चलते हैं घर की तरफ और पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद सेटअप लगाते हैं। ये रही टेबल लगा रहे हैं, यहाँ लगाते हैं, ओके गुड प्लेस राइट, ओके। तो ये हो गया पूरे, में जाएगी बर्फ। यसरा आ जाओ, बर्फ अब इसमें जाएंगी ये बॉटल्स। कुछ बाहर भी यहाँ पे रख देते, ओके इसको ढक दे देते हैं। ये लिखा है जी बोर्ड पे, अब इसको बाहर रख देते हैं, जो भी आएगा यहाँ से पानी उठाएगा। ये सामने हमने लगा दिया है, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे साइड में यहाँ लिख देते हैं फ्री वाटर, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं रख देते हैं, ठीक है, यहाँ रख देते हैं, ठीक है, परफेक्ट। फ्री वाटर, इसके अंदर ठंडा पानी, ये बाहर नॉर्मल पानी, जो भी यहाँ से गुजरेगा अगर वो पानी देखता है तो उठा के पी लेगा। तो जी ये छोटा सा काम हमने किया आज, और ये भी किसके लिए किया, मैंने अपने बेटे की जो है खुशी उसके लिए किया, और उसको एक तरह से ना सबक भी दिया कि हमें जो है मुहर्रमुल हराम का किस तरह एहतराम करना चाहिए और इन दिनों का स्पेशली हमें किस तरह से एहतमाम करना चाहिए। सो ये वीडियो एक मतलब लर्निंग पर्पज़ के लिए थी, मेरा कोई मोटिव नहीं था, लेकिन एक एफर्ट लगाना और एक अच्छे के लिए एफर्ट लगाना जो है वो हमेशा हमेशा आपके लिए ही अच्छा होता है, उसका जो रिज़ल्ट होता है वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। देखते रहिए स्टडी एंड ट्रैवल विद।